सनातन धर्म में सरस्वती पूजा का विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करने का विधान है। इस साल यह पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय फूल वस्त्र आदि अर्पित किया जाता है। इसके अलावा सरस्वती वंदना और मंत्र का जप भी किया जाता है। इतना ही नहीं, माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए भक्त बसंत पंचमी के दिन कई तरह के उपाय भी करते हैं, लेकिन आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन अगर आप व्रत हैं और माता सरस्वती की पूजा आराधना कर रहे हैं तो उसके साथ ही माता सरस्वती की पूजा करते समय सरस्वती चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से शिक्षा, कला, संगीत में सफलता का वरदान मिलता है। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्कीराम की माने तो माघ माह का सबसे बड़ा पर्व बसंत पंचमी माना जाता है और इस दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना करने का विधान है। जो लोग मंत्र जप में स्वयं को सहज नहीं कर पाते, उनके लिए आसान तरीका है वह बसंत पंचमी पर पूजा के समय माता सरस्वती के चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से माता सरस्वती जल्द प्रसन्न होंगी।